तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए आपके पास, और आपको पैन कार्ड चाहिए परमानेंट अकाउंट नंबर, और जीएसटी नंबर भी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप बिना जीएसटी के भी अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर अमेजोन एफबीए के लिए आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, तो इसीलिए सबसे पहले आप जीएसटी नंबर अप्लाई कीजिए और उसके बाद ही अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आपको बैंक अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट रिकमेंडेड है, करंट अकाउंट के बिना भी आप मतलब सेविंग्स अकाउंट से भी अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर आईसी रजिस्ट्रेशन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उसके लिए तो करंट अकाउंट चाहिए होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। और जैसे मैंने पहले कहा मतलब विथ सेविंग्स अकाउंट से भी आप सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं, नया करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और करंट अकाउंट लेने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। जब आप जीएसटी का आपका जीएसटी सर्टिफिकेट लेकर बैंक के पास जाते हैं तो वहां से आपको करंट अकाउंट मिल जाता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स, और आपको आईडी प्रूफ चाहिए, और आपको मतलब एक सिग्नेचर, मतलब आपका एक व्हाइट पेपर, आप एक व्हाइट शीट में आपका सिग्नेचर डाल के उसका एक फोटोग्राफ ले लीजिए स्कैन करके मोबाइल में, आप किसी स्कैनर ऐप से भी आप वो काम कर सकते हैं। तो इतना आपके पास रहना चाहिए, उसके साथ आप सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपको अप्लाई करना है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैं सेलर सेंटर डॉट अमेजोन डॉट इन पे हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा दीजिए। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम अमेजोन, टैक्स, जीएसटी और पैन डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मतलब चाहिए वो उन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ एंटर डिटेल्स बिलो टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ कंपनी और बिजनेस नेम है, जो पैन आप इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोप्राइटरशिप में आपका खुद का इंडिविजुअल पैन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ही नेम रहेगा। तो उस तरह मतलब वो नेम ही आपको यहाँ एंटर करना है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहे हैं तो आपको एक कुछ और एक नेम रहेगा, मतलब क्योंकि आपको अलग पैन कार्ड मिलता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। पर ज्यादातर लोग आपको एज ए बिगिनर, आपको एज ए प्रोप्राइटरशिप ही आप स्टार्ट करना है, मतलब आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड से ही आपको स्टार्ट करना है। तो इंडिविजुअल पैन कार्ड में जैसे मैंने पहले कहा आपका खुद का ही नेम रहेगा, तो वही नेम को आपको यहाँ एंटर करना है कंपनी और बिजनेस नेम में। यहाँ भी आप, यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन भी किया है, एंटर द कंपनी और बिजनेस नेम एज रजिस्टर्ड इन जीएसटी और पैन कार्ड। तो यहाँ कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ ट्रेड नेम या कुछ और यूनिक नेम मेंशन कर देते हैं, तो वो उस तरह मेंशन नहीं करना है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। और यहाँ आपको सेलर अग्रीमेंट पे आपको क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं चार टैब्स है, फोन वेरिफिकेशन, सेलर इन्फॉर्मेशन, टैक्स डिटेल्स और डैशबोर्ड। तो ये सारा टैब्स आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपका सेलर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टोर नेम, तो यहाँ आपको एक यूनिक नेम रखना है, और आप स्टोर नेम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। और कई बार हमको क्या होता है, हम जो ट्रेड नेम हम जीएसटी के लिए रखते हैं तो उसी नेम को आप एज ए स्टोर नेम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको मतलब मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ टेस्ट टू लिख देता हूँ, और आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नेम अवेलेबल नहीं है, नेम भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑब्वियसली आपको दिखाने के लिए यहाँ टेस्ट 2221 उस तरह नेम लग कर रखा है। आपको एक अच्छा यूनिक नेम आप रख सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट का नीश है उसको रिलेट करता हो, आपका बिजनेस का रिलेटेड होना चाहिए। तो उस तरह आप एक अच्छा स्टोर नेम रख दीजिए। और उसके बाद सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो आपका प्राइमरी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप अगर आप अमेजोन एफ बी बिगिनिंग स्टेज में हैं, अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, आपने अभी तक प्रोडक्ट रिसर्च नहीं किया है, तो आप कोई भी एक कैटेगरी आप पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी कैटेगरी पे आपको स्केल करना है। तो आप इनिशियली आप एक कैटेगरी आप पिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ऑफिस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ आपका एड्रेस आपको मेंशन करना है, पिन कोड।
तो यहाँ जब आप पिन कोड मेंशन करते हैं, आपका सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। तो एक बार चेक कीजिए आप सभी सभी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने पहले कहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी किसी एक को आपको पिक करना है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे अलग अलग कैटेगरीज में भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सेकेंड टैब यहाँ आप देख सकते हैं सेलर इन्फॉर्मेशन। तो फिर से यहाँ स्टोर नेम दिखा रहा है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ आप देख सकते हैं यूअर पिन कोड इज एलिजिबल फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन इजी शिप और सेल्फ शिप। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं मैंने फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन सेलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली आप FBA के लिए ही अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। तो FBA आपको क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फॉर इजी शिप आई वॉन्ट अमेजॉन टू पिकअप फ्रॉम ए लोकेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एड्रेस। इसको अगर आप इजी शिप कर रहे हैं तो इसको टिक करके आप कर सकते हैं, और वरना ये सभी सेटिंग्स आप बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं जब आपका सेलर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं लगभग सेलर अकाउंट का प्रोसेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ एनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, मतलब वो मैंडेटरी है। तो यहाँ नंबर मेंशन करना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, OTP आता है। तो उसके बाद यहाँ इस तरह एक पेज खुलेगा। तो यहाँ आई गॉट इट, प्लीज टर्न ऑन माई टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं टैक्स डिटेल्स। तो जैसे मैंने पहले कहा आपको GST नंबर चाहिए, तो यहाँ आपको आपका GST नंबर मेंशन करना है और पैन नंबर मेंशन करना है, जो आपका पैन नंबर रहेगा। और उसके बाद यहाँ चाहे तो आप जैसे मैंने पहले कहा विदाउट GST नंबर भी आप सेलर अकाउंट ले सकते हैं, और बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। और बेहतर है आप इनिशियली आप मेंशन करके सेलर अकाउंट लेते हैं तो आप बेहतर है। तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा। और आपको और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक पैन और एक GST नंबर से सिर्फ एक ही सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग सेलर अकाउंट एक ही GST नंबर से ओपन नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे भी तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए वो कई सारे लोग गलती करते हैं उस तरह, तो इसीलिए मैंने कहा। तो यहाँ मैं आई विल अपडेट लेटर सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों उसके बाद लास्ट टैब आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, यहाँ प्रोडक्ट टू सेल, यहाँ स्टार्ट लिस्टिंग अगर आप क्लिक करते हैं आपको लिस्टिंग क्रिएट करना चाहिए। और यहाँ नीचे यहाँ शिपिंग फी डिटेल्स, अगर आप खुद शिप कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट तो यहाँ ये सभी चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। FBA के लिए ये सभी चीज़ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर आप खुद शिप कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट के लिए कितना शिपिंग फी रहेगा वो सब कुछ आप यहाँ सेट फी पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं, आपको बता रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा बाद में भी आप कर सकते हैं जब आपके मतलब सेलर अकाउंट मतलब ओपन होकर आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा सेलर सेंट्रल का जो पोर्टल है, उसके बाद भी आप अलग अलग डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। शिपिंग फी डिटेल्स के बाद यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो टाइप है अकाउंट टाइप, लाइक करंट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट है या सेविंग्स अकाउंट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अकाउंट नंबर, और फिर से आपको री एंटर करना है आपका अकाउंट नंबर। और उसके बाद यहाँ आपको IFSC कोड, यहाँ एस पे सेलेक्ट करके आपको IFSC कोड भी चाहिए। तो ये फॉर्मल मतलब जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हर प्लेटफॉर्म में उसी तरह आपको पूछता है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। और उसके बाद यहाँ टैक्स डिटेल्स, और यहाँ जैसे आपने मतलब मेंशन नहीं किया था GST नंबर और पैन नंबर, यहाँ अगर आपने लास्ट स्टेप में मेंशन किया है तो यहाँ ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, वरना यहाँ फिर से एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट टैक्स कोड, तो प्रोडक्ट टैक्स कोड मतलब आपका टैक्स रेट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग टैक्स स्लैब के लिए अलग अलग टैक्स रेट रखा है। तो आप जो प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हैं तो उसके लिए एक अलग टैक्स रेट रहता है, वो आपकी तरफ से अमेजोन खुद इनवॉइस में मतलब कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। तो आपको जब आप GST रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पे करना होगा। तो मैंने GST रिटर्न का वीडियो सब कुछ बनाया है, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको ये कोड आपको सेलेक्ट करना है, और आपको वरी करने की जरूरत नहीं। कई सारा बिगिनर्स यहाँ पूछते हैं कि मैं अलग अलग टैक्स रेट का वाला प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो यहाँ किस तरह सेलेक्ट करूँ, यहाँ सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। बाकी जब आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वहाँ ही आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टैक्स कोड सेलेक्ट करने का, मतलब टैक्स रेट सेलेक्ट करने का। तो वहाँ उस प्रोडक्ट के लिए क्या टैक्स रेट है तो वो टैक्स रेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूजुअली 18% रहने देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये जेन स्टैंडर्ड। तो इतना सब कुछ ऑप्शन है अवेलेबल, यहाँ आप देख सकते हैं 0%, 0.25%, 3%,
5%, 12%, 18% और आगे है। तो यूजुअली हम 5, 12 और 18% के रेंज में ही हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो इसलिए यहाँ 18% में सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ यहाँ आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आई हैव रिव्यूड एंड अग्री टू अमेजॉन्स टैक्स कैलकुलेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ मैं अभी यहाँ ये सभी चीज़ अग्रीमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आप जब करेंगे, आपका पहला सेलर अकाउंट ओपन करेंगे, तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है। जब आप इसके इस लिंक में आप ओपन करेंगे, तो आपको उसके बारे में आपको पता चलेगा, जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन है सब कुछ आप पढ़ लीजिए, वो हमेशा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई सारा चीज़ बदलता रहता है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको बता रहता है क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या आप चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आपको देखना है। तो उसके बाद यहाँ सिग्नेचर, जैसे मैंने पहले कहा, आपको एक वाइट शीट पर आपका सिग्नेचर साइन करके उसको आप स्कैन कर सकते हैं, मोबाइल में ही स्कैन कर सकते हैं, मतलब एक फ़ोटो निकाल सकते हैं उसका, और उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ अपलोड बाय सिग्नेचर करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लॉन्च योर बिजनेस में आपको क्लिक करना है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करने की सोचता हूँ करता हूँ, तो मुझे कई सारा ऑप्शन, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है, तो उसका एरर दिखा सकता है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ कंटिन्यू टू सेलर सेंटर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड किस तरह है अमेजोन का। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कैटलॉग है, यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स। तो जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करने की सोचते हैं, यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह, यहाँ आपको प्राइवेट लेबलिंग अमेजोन एफबी के लिए, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री पे आपका इन्वेंट्री आप देख सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन है। तो मैं इस मतलब जो मोस्ट नीडेड है वो आपको बताता जाऊँगा। इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री आप ज़्यादातर यूज़ करते रहेंगे, और यहाँ से भी आप ऐड प्रोडक्ट मतलब क्रिएट लिस्टिंग कर सकते हैं आपका। और उसके बाद यहाँ प्राइजिंग, और उसके बाद ऑर्डर्स, यहाँ यहाँ मैनेज ऑर्डर्स में आपका हर ऑर्डर्स का आप ट्रैक कर सकते हैं, पर ऑर्डर के लिए आपने अमेजोन का फीस कितना लिया है, कितना आपको उससे प्रोसिट्स मिला है, क्या प्रॉफिट है, वो आप यहाँ मैनेज ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं। आपका कस्टमर्स का मतलब एड्रेस, आपको कितना ऑर्डर्स आया है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, आपको कैंपेन मैनेजर में आप कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। प्रमोशंस में आप कूपन कोड्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन है कूपन्स। और उसके बाद ग्रोथ, आपका जो भी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स। अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आपको हर एक रिपोर्ट आपको आसानी से आपको अमेजोन ही कुछ जनरेट करके देंगे। आपको कई बार अगर आप बिगिनर है तो आपको कोई अकाउंटेंट मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई एक सॉफ्टवेयर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन इतना सेग्रीगेटेड आपको रिपोर्ट्स देगा जो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आप जीएसटी रिटर्न के लिए जो एमटीआर रिपोर्ट है, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, वो मैंने जीएसटी का वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ अकाउंट हेल्थ में आप अकाउंट हेल्थ आप चेक कर सकते हैं, आपका अकाउंट हेल्थ किस तरह है, वो सब कुछ। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ आपके लिए आज के लिए मतलब एक दिन के लिए कितना ऑर्डर्स आया है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये नया अकाउंट है मतलब टेस्ट के लिए मैंने क्रिएट किया था। और उसके बाद ऐप स्टोर, ये आप ज़्यादातर आप यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी सर्विसेज ही यहाँ आपको मिल जाएगा, सर्विसेज में भी। और यहाँ B2B, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है। और यहाँ सेटिंग्स में आप यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट इन्फो में अगर आप जाते हैं तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप आपका बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ योर सेलर का प्रोफाइल आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ जीएसटी डिटेल्स है, प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब नेम है, जो आपका मतलब नेम रहेगा, कंपनी नेम जो आपके पैन कार्ड के ऊपर वाला नेम, और स्टोर नेम, सब कुछ आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ मैनेज मतलब आपको अमेजोन एफबीए के लिए एनरोल होने के लिए यहाँ मैनेज पे आपको क्लिक करना है, वो भी प्रोसेस में दिखा देता हूँ स्लाइटली। तो यहाँ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में, यहाँ आपको क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको मतलब प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो यहाँ आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स है, मतलब अमेजोन खुद आपको आपके वेयरहाउसेस, जो आपका स्टेट में वेयरहाउसेस है, उसका डॉक्यूमेंट्स देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, NOC, लीज डीड, सेल डीड। तो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप चाहे तो खुद आपका जीएसटी पोर्टल में अमेंड कर सकते हैं। आपका जो अमेजोन एफबीए का वेयरहाउस है उसको एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जीएसटी में आप ऐड कर सकते हैं। ऐड होने के बाद आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, फिर से आपको एक नया जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा,
आप यो आपका जीएसटी पोर्टल में यूजर सर्विसेज में आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट को यहाँ फिर से आपको अपलोड करना है। यहाँ अपलोड होने के बाद आपका एफबीए का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो तब आप जो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसका जो प्रोडक्ट्स है अमेजोन एफबीए का वेयरहाउस में सेंड कर सकते हैं। अमेजोन एफबीए का वेयरहाउस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इस तरह आप आसानी से आपका सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, आपको अमेजोन एफबीए करना है, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना, उस मतलब प्रोडक्ट को किस तरह लाना है, किस तरह इंपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस तरह आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। तो कम्प्लीटली बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में शेयर कर रखा है। उसमें प्रीमियम कोर्स और मेंटरशिप, मतलब आपका क्वेरीज पूछ सकते हैं, कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में आपको मिल जाएगा, ecomgyan.com है, तो वहाँ जाके भी आप एनरोल हो सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।